वैसे कभी आपने सोचा है कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी ज़्यादा नेमतों से नवाजा है, जो नेचुरल अमेजिंग हमारे पास चीज़ें हैं जैसे कि फ्रूट, हम उसका इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं। तो आज हम बात करेंगे फल से रिलेटेड। सो फल को डिज़र्ट के तौर पे नहीं खाना, यानी कि एज अ स्नैक एट सम पॉइंट खा लें, यानी कि आपने सुबह नाश्ता किया, उसके 2-3 घंटे के बाद आपको भूख लगी, आपने सेब खा लिया। देखिए, जब आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिक्स कर लेते हैं और इस तरह डिज़र्ट्स में यूज़ करते हैं, तो आप उसको एज अ पीस ऑफ फ्रूट नहीं कंसिडर कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम, आई होप दैट एवरीवन इज़ वेल। वैसे कभी आपने सोचा है कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी ज़्यादा नेमतों से नवाजा है, और अगर हम उन नेमतों को गिनना शुरू करें तो शायद आज की वीडियो, बल्कि मेरी सारी वीडियोस ही शुरू होकर ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन हम नेमतों का शुक्र नहीं अदा कर पाएंगे। अल्लाह ताला की बड़ी नेमतों में से एक नेमत ये है कि हमें खाने पीने में बहुत अमेजिंग चीज़ें मिली हैं, नेचर से नेचुरल चीज़ें। हम लोग पिज़्ज़ास, बर्गर्स, फ्राइज़, इन चीज़ों की तरफ जाते हैं, लेकिन जो नेचुरल अमेजिंग हमारे पास चीज़ें हैं जैसे कि फ्रूट, हम उसका इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं। अब मैंने ये नहीं कहा कि हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हम गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम बात करेंगे फल से रिलेटेड कि फल खाने का, फ्रूट खाने का सही तरीका क्या है, क्योंकि बहुत से ऐसे तरीके हैं जिसमें हम फल को इस्तेमाल करते हैं और वो हमें फ़ायदा देने के बजाय नुकसान देता है, या फिर कोई भी फ़ायदा नहीं देता। सो आज बात करेंगे हम फ्रूट की एंड द प्रॉपर यूसेज ऑफ फ्रूट। लेकिन याद कराऊंगी कि मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, बिकॉज़ ये वो चीज़ें हैं जो बहुत से लोगों को हेल्प भी करेंगी और गाइड भी करेंगी। और आपने भी देखा होगा कि लोग बहुत सिली चीज़ें करते हैं कभी कभी, तो उनको अवॉइड कर जाएंगे। उसके साथ साथ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कीजिएगा, और मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कीजिएगा। JUGGUNKAZIM लेके आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर पर भी, एंड जुगन काजिम ऑफिशियल मेरा फेसबुक का पेज है। आ जाते हैं आज के टॉपिक की तरफ, फ्रूट, नेचर्स ज्यूल्स, लेकिन इसका सही इस्तेमाल बहुत इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ जो मैंने ऑलमोस्ट हर घर में देखी है, बल्कि मेरे अपने घर में भी होती थी अनटिल आई डिस्कवर्ड कि ये गलत है, वो ये है कि हम फल को डिज़र्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम खाना खा के फल को खा लेते हैं कि भाई ये हमारा मीठा या हमारी डिज़र्ट हो गई, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। एक्चुअली जब हम खाना खाते हैं और उसके बाद फल खाते हैं, तो फल पहले हज़म हो जाता है और हमारा खाना जो है उसको हज़म होने में ज़्यादा टाइम लगता है, जिसकी वजह से हमारी डाइजेशन डिस्टर्ब होती है। सो फल को डिज़र्ट के तौर पे नहीं खाना, यानी कि एज अ स्नैक एट सम पॉइंट खा लें, यानी कि आपने सुबह नाश्ता किया, उसके 2-3 घंटे के बाद आपको भूख लगी, आपने सेब खा लिया। अगर कुछ घंटे गुजरे लंच के बाद, यू आर फीलिंग अ बिट हंग्री, आपने एक बनाना, केला खा लिया, या कोई भी फल खा लिया। तो फल इस्तेमाल करने के सही तरीकों में एक तरीका ये है कि आपने इसको डिज़र्ट के तौर पे नहीं इस्तेमाल करना। ऑल्सो बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर किसी डिज़र्ट के अंदर फल डला हुआ है, यानी कि अगर किसी ने कोई पुडिंग बनाई है और उसमें फल भी है, तो उनको फल के बहुत से फ़ायदे मिल रहे हैं उसके थ्रू। देखिए, जब आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिक्स कर लेते हैं और इस तरह डिज़र्ट्स में यूज़ करते हैं, तो आप उसको एज अ पीस ऑफ फ्रूट नहीं कंसिडर कर सकते। वो एक डिज़र्ट है, दैट डजंट नेसेसरली गिव यू उतनी विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स वगैरह जिनकी आपको ज़रूरत है। तो ये मैंने ज़रूर कहना था कि जब डिज़र्ट इस्तेमाल करें भी, अगर उसमें फल की प्यूरी डली हुई है, तो ये ना सोचे कि वो आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी डिज़र्ट हो गया है। अगर उसमें चीनी और मैदा और इस तरह की चीज़ें डली हैं, तो उसका हेल्दीनेस क्वेश्चन फिर भी कम हो जाता है। अच्छा, बड़ी दुकानों से जाके हम लोग बहुत सी चीज़ें खरीदते हैं, ग्रोसरीज वगैरह लेने जाते हैं, हम सोचते हैं कि अगर हम किसी बहुत बड़ी सुपर स्टोर्स जो हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फल पड़ा होता है, हम वहाँ से ख़रीदेंगे तो वो फल बेहतर होगा। ये भी एक गलत सोच है। एक्चुअली जो बड़े स्टोर्स होते हैं, वो अपने फल को अच्छा दिखाने के लिए उसके ऊपर बहुत सी डिफरेंट चीज़ें डालते हैं ताकि वो शाइन ज़्यादा करे, कभी कभी फल को डाई भी कर देते हैं ताकि उसका कलर ज़्यादा ब्राइट लगे। सो पेस्टिसाइड्स और इन चीज़ों को अगर आपने अवॉइड करना है, तो कोशिश करें कि फल को ऐसी जगह से ख़रीदें जहाँ पर अच्छा क्वालिटी का फल मिलता है, ये नहीं कि वो सिर्फ दिखने में खूबसूरत हो। ऑल्सो ऑर्गेनिक लिखा होना चाहिए,
जब फल खरीदें और उसके ऊपर ऑर्गेनिक लिखा हुआ है तो आपको इस बात की गारंटी है कि उस पर पेस्टिसाइड्स और बहुत से केमिकल्स वगैरह जो नॉर्मली इस्तेमाल किए जाते हैं नहीं किए गए। सो ऑर्गेनिक का लेबल ज़रूर ढूंढने की कोशिश करें। देखिए ऑर्गेनिक तो हमारे यहाँ चीज़ें होती ही थी, फल के जो दरख्त वगैरह होते थे वहाँ से नेचुरली इंसान फल उतारता था, उसको वॉश करता था, खा लेता था। एक और ज़रूरी चीज़, जब आप फल का इस्तेमाल करें, बनाना वगैरह की नहीं बात करी बट जिस तरह सेब है, तो अच्छी तरह इसको साफ़ करके इस्तेमाल करें। और आखिरी दफ़ा जब आपने इसको खाने लगे हैं तो उसको एक दफ़ा जो आखिरी पानी है वो आपका साफ़ पानी होना चाहिए, बॉइल्ड वाटर या फिर मिनरल वाटर। क्योंकि अगर आप गंदे पानी से धो के फल का इस्तेमाल करेंगे तो वो फल गंदा तो नहीं होगा अंदर से, लेकिन बाहर जो उसके ऊपर पानी लगा होगा उसकी वजह से आप बीमार भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है फल से रिलेटेड, याद रखना। हम बहुत दफ़ा सोचते हैं कि भाई हमने दोपहर को फल खाना होगा, ऑफिस जा रहे हैं, अभी फल काट लेते हैं, उसको काट के साथ ले जाते हैं। अगर बच्चों को देना है स्कूल के लिए कोई स्नैक तो साथ में फल काट के दे देते हैं। फल को काटने के 20 मिनट के बाद आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, यानी कि आप फल को विद इन 20 मिनट्स काटने के बाद इस्तेमाल कर लें। सो जो लोग बहुत सुबह सुबह फल काट लेते हैं कि भाई शाम को खाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। फल को इस्तेमाल करने से पहले ही काटें या ओपन करें या व्हाटएवर। आपने देखा होगा केले काट लेते हैं तो एकदम से ब्लैक हो जाते हैं, उसमें ऑलरेडी एक प्रोसेस शुरू हो जाती है जिसकी वजह से बैक्टीरिया भी उस पर आ जाता है और जनरली आपको उतने फायदे नहीं होते। एक और कंसेप्शन है कि लोग सोचते हैं कि हमने बहुत से फल काट के खा लिए तो हमें बहुत सा उसका बेनिफिट हो गया। देखें, आपने अगर एक बोल में फल काटा है जिसमें तीन छोटे पीसेस कटे हुए सेब के आ गए, थोड़ा सा केला आ गया, तो उसमें एक कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स एंड विटामिंस तो हैं, लेकिन आपको उसका उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना अगर आप एक पूरा सेब और एक पूरा केला या एक बोल आपने मेलन का खा लिया। तो ये जो हम मिक्स्ड फ्रूट खाने की कोशिश करते हैं, रेकमेंडेड ये है कि फल को अलहदा अलहदा खाएं और एज लाइक आई सेड स्नैक्स खाएं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फ्रूट से रिलेटेड जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और एक और मिसकंसेप्शन, लोग कहते हैं कि फ्रूट जूसेस पियेंगे तो हमें फलों का फ़ायदा होगा। फ्रूट जूसेस पीने से आपको वो बेनिफिट नहीं होता जो आपको पूरा फल खाने से होता है। आप इस सेब का जूस निकालेंगे, इसके अंदर जो सारा फाइबर है, उसका जो छिलका है, वो सब ज़ाया हो जाएगा। सिर्फ आपको उसके अंदर से बेसिकली मीठा पानी मिल जाएगा। ऑफ कोर्स उसमें कुछ मिनरल्स और विटामिंस तो होंगे, बट प्रेडोमिनेंटली उसका जो फाइबर है और जो बाकी चीज़ें, ये सेब पूरा खाना है आपने, इसका जूस निकाल के मत पिए। ऑफ कोर्स अगर कोई बीमार है और उसकी एनर्जी अप करने के लिए फ्रूट जूसेस दे रहे हैं, बट आपको फिर फुल फ्रूट का बेनिफिट नहीं मिलता। सो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ्रूट्स के जूसेस निकालना या उनको बहुत ज़्यादा कुक करके इस्तेमाल करना। कुछ लोग एप्पल को स्टू करते हैं या एप्रिकॉट्स वगैरह को स्टू करते हैं, पानी के अंदर कुक करते हैं, कुक करने से भी उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है। एंड फाइनली, फल रात को जब हम खाते हैं, बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि भाई चलो खाना खा लिया, अब दो तीन घंटे गुजरे, अब भूख लग रही है, क्या करें, तो लोग कोई पीस ऑफ फ्रूट खा लेते हैं। होता ये है कि वो फ्रूट ब्लोटिंग क्रॉस करता है प्रेडोमिनेंटली। अगर आप फॉर एग्जांपल केला खाएंगे तो उससे ये होगा कि क्योंकि उसमें पोटेशियम है तो रात को आपको बार बार उठ के बाथरूम जाना पड़ेगा। सो कोशिश करें कि रात को फल ना खाएं, 4-5 बजे के बाद शाम को फ्रूट को मत खाएं, फ्रूट को डिज़र्ट के तौर पे मत यूटिलाइज़ करें। ये जो कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं इनको याद रखें। एंड रिमेंबर, अगर रात को फल खाया और सुबह उठे और सोचा हमने तो कुछ भी नहीं खाया था, पता नहीं ब्लोटिंग और स्वेलिंग क्यों हो गई है, तो शायद वो जो आपने रात को फल काफ़ी ज़्यादा खा लिया था ये सोच के कि खाना नहीं खाते फल खा लेते हैं, तो ये उसकी वजह से हो रहा है। सो इफ़ यू वॉन्ट टू अवॉइड ब्लोटिंग, ट्राई टू मेक श्योर कि आप रात को फल ना खाएं। फल खाएं ज़रूर, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है आपकी सेहत के लिए, आपकी न्यूट्रिशन के लिए, आपकी ग्लोइंग स्किन के लिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करें। सो ये था हमारा आज का प्रोग्राम रिलेटेड टू फ्रूट्स एंड द करेक्ट यूज़ ऑफ फ्रूट। आप भी फल खाएं और हमें बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। खुदा हाफिज़। अब मेरी बुक माँ के मामले एंड मॉम मैटर्स उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों में दस्तयाब है। सो आप इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं और इसे पढ़ने के बाद मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा।